राजस्थान के बारा में बाइक सवार दो युवकों ने की फायरिंग, एक युवक घायल, जिसे स्थानीय लोगों ने जिला अस्पताल में कराया भर्ती। अटरू रोड पर दिया वारदात को अंजाम, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। राजस्थान के बारा छिपाप डोद में आकाशीय बिजली गिरने से 3 भैंसों की मौत, परिवार सदमे में। 2 लाख रुपए की कीमत की बताई जा रही 3 भैंसें। पूर्व प्रेसिडेंट कमल सिंह गुर्जर ने की मुआवजे की मांग। बुलंदशहर में रोडवेज बस ने बाइक सवार 3 युवकों को रौंदा, 3 की दर्दनाक मौत। रक्षाबंधन के पर्व पर दर्दनाक हादसे से मृतकों के परिजनों में मचा कोहराम। हादसे के बाद रोडवेज चालक बस छोड़कर मौके से हुआ फरार, कार्रवाई में जुटी पुलिस। राजस्थान के बारा छिपाप डोद में लिहासी डैम के गेट खोलने से कई गांवों का हुआ रास्ता बंद। रात भर हुई तेज बारिश के चलते नदी नालों में आई उफान, जिसके कारण गांवों में नहीं निकल पाए लोग। रक्षाबंधन के दिन से ही कभी कम तो कभी ज्यादा बारिश का दौर जारी रहा, लेकिन रात के समय तेज बारिश होने की वजह से डैम में पानी की आवक बढ़ गई। सेक्रेटरी पद के लिए डॉक्टर संगीता रस्तोगी का चयन किया गया। इनर व्हील क्लब ऑफ फैजाबाद मैत्री के लिए नई टीम की घोषणा कर दी गई है। इसके प्रेसिडेंट पद के लिए क्लब के लिए अच्छा कार्य कर रही रत्ना जायसवाल को पुनः प्रेसिडेंट बनाया गया। राजस्थान के दौसा रामगढ़ पचवाड़ा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आजादी का अमृत महोत्सव उपखंड स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन उपखंड अधिकारी नीतू करौल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें राजकीय व निजी विद्यालयों के लगभग 1000 विद्यार्थियों ने भाग लेकर देशभक्ति गीतों का सामूहिक गायन किया। अयोध्या में 63 बटालियन CRPF के जवानों ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत रैली निकाली। अयोध्या आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 63 बटालियन CRPF के जवानों ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत रैली निकाली। राजस्थान के कामखेड़ा चंदीपुर गांव में झोला छाप डॉक्टरों का आतंक लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहा है। झोला छाप डॉक्टरों की क्लिनिक में रोजाना निकलने वाले बायो वेस्ट की निस्तारण से उचित प्रबंध नहीं है। झोला छाप डॉक्टरों द्वारा खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही। इन दिनों बायो वेस्ट खुले में बिखरा हुआ है। दर्जनों गाँव में झोला छाप डॉक्टर का खेल खुलेआम धड़ल्ले से जारी है। बलरामपुर में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत बलरामपुर पुलिस द्वारा हर घर तिरंगा यात्रा निकाली गई। हरैया पुलिस ने ठाना है हर घर तिरंगा फहराना है। जोश और जज्बे के साथ थाना प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार पांडे के कुशल नेतृत्व में रैली निकालकर हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने में जुटी थाना हरैया पुलिस टीम। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।